हे गाइस, दिस इज़ वरुण वर्मा, मिस्टर इंडिया सुपर नेशनल 2019। सो मेरी जर्नी कुछ इस तरह स्टार्ट होती है। आई वॉज 18, स्किनी टू द बोन्स, हैड मैनी प्रॉब्लम्स, स्पीच प्रॉब्लम्स, मेडिकल प्रॉब्लम्स, बट एक पैशन था, एक ड्रीम था लाइफ में, दैट मॉडलिंग करनी है, मॉडल बनना है। तो जैसे ही मेरा 12th स्टैंडर्ड ख़त्म होता है, जॉइंट जिम, क्योंकि बहुत ज़्यादा पतला था मैं, तो मुझे फिटनेस कुछ अचीव करनी थी, तभी मुझे मॉडलिंग में काम मिलता। सो आई जॉइंट अ जिम नियर बाय, एंड उधर से मुझे जिम का एक पैशन लग गया, फिटनेस का एक पैशन आ गया। एंड लाइफ में मैंने दो ही चीज़ सीखी है कि लाइफ में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जुनून। जो चीज़ आप पसंद करते हो, जो आपको करना अच्छा लगता है, उसके लिए जुनून होना चाहिए। जब आप वो चीज़ करेंगे जिसमें आपको जुनून है, तभी लाइफ में आपको सुकून मिलता है। सो वहाँ से मेरी लाइफ में मुझे एक सुकून मिलने लगा कि हाँ, मैं वो चीज़ कर रहा हूँ जो मुझे अच्छी लगती है। नाउ मैंने ऑडिशन स्टार्ट करे मॉडलिंग के, करीब करीब मैं 3-4 साल ऑडिशंस देता रहा, बट इतना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव नहीं करा मॉडलिंग में, और इतना कुछ नाम मिला नहीं जितना मैं सोच रहा था, जितना एक्सपेक्टेड था। तो एक बार तो ये लगा कि यार सपना सपना ही रह जाएगा, और शायद मैं अच्छे लेवल पे मॉडलिंग नहीं कर पाऊँगा। बट देन करते करते साल दर साल काफ़ी टाइम हो गया, कॉलेज के अपने स्कूल के बाद ग्रेजुएशन कर ली, ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स भी कर ली, करते करते मैं 25 साल का हो गया। ना 25 साल की एज तक कुछ भी मॉडलिंग में इतना बड़ा कुछ काम करा नहीं, एंड आई कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड, मिडिल क्लास फैमिली। ना उनका ड्रीम ये था कि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूं, एक अच्छी MNC में जॉब करूं। सो उनकी बात को मानते हुए आई डिड ग्रेजुएशन, आई डिड माई मास्टर्स, पोस्ट ग्रेजुएशन भी करी मैंने, एंड एक MNC में अच्छा खासा मुझे जॉब मिल गया। ना जॉब मिलते मिलते करीब 24-25 की मेरी एज हो गई, और अभी तक सिर्फ एक चीज़ पे मैं काम कर रहा था जिस पे मेरा बहुत ज़्यादा जुनून था, वो था फिटनेस। फिटनेस मेरी अच्छी खासी अचीव हो गई थी। वन मॉर्निंग मैं ऑफिस के लिए रेडी हो रहा था, ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठा था, एंड आई सॉ दिस एड टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर में कि मिस्टर इंडिया ऑडिशंस दिल्ली में होने वाले हैं इस बार। सो आई गॉट एक्साइटेड, मैंने ऑडिशन जाते जाते कैब के अंदर ही ऑडिशंस अपने फिल कर दिए, उधर से मुझे कॉल बैक आ गया, एंड दिल्ली ऑडिशन में सिलेक्शन हो जाता है। Then I went to Mumbai, Mumbai गया, Mr. India में selection हुआ, won the title, Mr. India Perfect Body, जो मुझे title मिला, एक subtitle था वो, दो अभी भी Mr. India का main title जीतना बाकी था, but उधर से मेरी एक modeling की journey start हो। इस बीच मैंने अपनी job भी छोड़ दी थी, MNC की बहुत ही well settled job थी, सब लोगों ने react करा, कुछ friends ने बोला, कुछ family में ने बोला कि यहाँ पे career नहीं है, बहुत ज़्यादा uncertainty है, it's not, एडवाइस नहीं करा कि यार इतने सालों की पढ़ाई के बाद आप 5 साल पढ़ाई करते हो तो जॉब छोड़ना नहीं चाहिए, आपका सिक्योरिटी नहीं है, ये नहीं है। बट मुझे था यार, मुझे इस चीज़ पे पैशनेट हूँ मैं, ये मेरा ड्रीम है, मैं फोकस था, मुझे पता था मेरा लाइफ में एम क्या है, मुझे किस तरफ जाना है। आई केम बैक टू दिल्ली अगैन, मुंबई से मैं दिल्ली वापस आया, वापस आके मुझे याद है सेम वीक मिस्टर इंडिया का ऑडिशन था, शायद मैं संडे या मंडे आया था, और संडे को ही मिस्टर रोडीज का ऑडिशन था, MTV रोडीज, अवेन दैर गॉट सेलेक्टेड दैर। तो उधर से मेरी जर्नी और अच्छी बन गई, उधर से कुछ फेम मिला, काम मिलना स्टार्ट हुआ, रिकग्निशन मिला, लोगों ने अप्रिशिएट करना स्टार्ट करा, एंड थॉट यू नो कि मैं इस इंडस्ट्री का पार्ट अब बन सकता हूँ, एंड उधर से चीज़ें ठीक होने स्टार्ट हो गए। तो इतने सालों का जो हसल था, फ्रॉम 18 टिल 25 में मेरा मिस्टर इंडिया में सिलेक्शन हुआ था, 7 साल बस मैं वो करे जा रहा था जो मुझे अच्छा लगता है, रिगार्डलेस रिजल्ट मेरे सामने है नहीं है, कुछ पैसा कमाया नहीं कमाया, फेम मिला नहीं मिला, स्टिल आई वॉज डूइंग व्हाट आई लव द मोस्ट, फिटनेस पे ध्यान दे रहा था और अपने हसल कर रहा था मॉडलिंग के लिए, गिविंग ऑडिशंस, सेंडिंग पिक्चर्स टू ईच एंड एवरी एजेंसी, सो आई वाज डूइंग माय वर्क। फिर वही बात आ जाती है कि यार मेहनत करते जाओ, बाकी ऊपर वाले भी छोड़ दो, और आपके स्टार्स अगर आपके फेवर में हैं और ऊपर वाले ने कुछ आपको लिखा था, आपको वो मिल ही जाएगा। देन सडनली काम अच्छा चल रहा था, आई केम बैक टू दिल्ली अगैन आफ्टर रोडीज, फिर मैं दिल्ली आया, दिल्ली आके अपना जिम भी ओपन कर लिया, फिटनेस के लिए पैशनेट था, तो एक एंटरप्रेन्योर का टैग भी मुझे मिल गया कि, एंड वो भी सक्सेसफुल हो गया जिम। देन सडनली अगेन लाइफ एक पेस पे चल रही थी जहाँ मैं मॉडलिंग का काम कर रहा था साथ ही साथ, क्योंकि थोड़ा फेमस हो गया था, एज अ फैशन इन्फ्लुएंसर भी काम कर रहा था। आउट ऑफ नोवेयर आई गॉट अ कॉल फ्रॉम मुंबई बैक अगेन दैट मिस्टर इंडिया सुपर नेशनल के ऑडिशन होने वाले हैं, और जो विनर होगा वो पोलैंड जाएगा इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। नाउ दैट वॉज पिक आउट ऑफ नोवेयर, अगेन आई वेंट टू मुंबई, ऑडिशन दिया, दिस टाइम राउंड, लास्ट टाइम क्योंकि मैं सब टाइटल जीता था, दिस टाइम राउंड आई वन मिस्टर इंडिया सुपर नेशनल 2019। आई वेंट टू पोलैंड,
represented India there, won Mr. Supranational Asia 2019. Life changed. So now I have few titles: Mr. India Perfect Body 2016, MTV Roadie, an entrepreneur, a fashion influencer, and Mr. Supranational Asia 2019. मैं नहीं कहूँगा कि बहुत कुछ मैंने अचीव कर लिया. There are still lot of things yet to be achieved. But इन सब सालों के दौरान मैंने ये सीखा है कि आपको बहुत सारे sacrifices करने पड़ते हैं. वो सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं जो आपने लाइफ में कभी नहीं करी है, जो कभी नहीं सीखी है. जैसे मैंने डांस कभी नहीं सीखा, बट मैंने वो सीखा स्पेशली फॉर मिस्टर इंडिया. स्पीच के ऊपर अपनी तैयारी करी, स्पीच पे अपनी पकड़ लेके आया, एंड बहुत सारी मेहनत. इफ़ यू हैव द कन्विक्शन, परसिवियरेंस, पैशन फॉर एनीथिंग इन लाइफ, आप वो चीज़ अचीव कर लेते हैं जो आप हमेशा से करना चाहते हैं. आई एम ग्लैड दैट आई शेयर्ड माई सेल्फ मेड स्टोरी विद यू गाइज. अगर मेरी स्टोरी से कोई एक इंसान भी मोटिवेट होकर, इंस्पायर होकर अपनी लाइफ में उस काम में लग जाए जिसके लिए वो पैशनेट है, अपने ड्रीम्स को चेज करने में लग जाए, तो ये वीडियो मेरे लिए इट विल बी वर्थ इट.